सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट थे। एक क्यूरियोसिटी है, व्हाई इंडिया वे एंड व्हाई नॉट इंडियन वे, इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंकिंग बिहाइंड दिस? टू, स्ट्रेटेजिक कल्चर की बहुत बार बात होती है, तो आपने जैसे कृष्ण का उल्लेख किया एंड कृष्णा चॉइस के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे यहां पे केवल कृष्ण नहीं, भीष्म और चाणक्य और पद्मसभा, दिस इज अ रेयर थिंग कि यार कमिनियन आपने जो पूछा, कहा कि जो जो श्री कृष्ण की बात की, महाभारत की बात की, देखिए मेरा जो उस पर जो लेख है, मैंने लेख इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 40 साल से, अगर मैं अपने यहाँ भी अपने अपने कलीग्स अपने जो साथियों से बात करूं, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट कौन था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको ऐसा कोई जवाब देंगे कि वो वेस्टर्न ही होगा, कहेंगे मेटर्निक सबसे बड़ा दुनिया। अगर मैं उनको कहूं कि आप मुझे बताइए कोई डिप्लोमेसी पे सबसे अच्छी किताब क्या, तो कहेंगे वो मैकियावेली है, वो हैरल निकल्सन है, वो अर्नेस्ट सैटो है। तो मेरा लिखने का कारण ये था, मैं अपने ही लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई घर में देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को फिजिकल वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद, माने कैसे डिप्लोमेट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूँ कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुकमा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी, कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी वो फिजिकल मटीरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान, जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार उसके बाद आपको पता है उन्होंने किया क्या। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, हाँ, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में जो राजनीति में कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाती कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक,
और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने रूल्स उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया था। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश। अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी, उनके पास छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था और श्री कृष्ण उनके साथ थे। और हम कभी कभी रेपुटेशनल कॉस्ट की बात करते हैं कि रेपुटेशन जो है कूटनीति में, राजनीति में भी, जिस पे आप भरोसा, अब भरोसा की मैं क्या कीमत बताऊं आपको, जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है, पार्टी हो, आदमी हो, देश हो, रेपुटेशन की बहुत कीमत होती। और पांडवों की रेपुटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी थी, रेपुटेशन का बहुत फर्क पड़ा। और कभी कभी ये भी है कि जो बड़े गोल, जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी इसके बहुत उदाहरण जो युधिष्ठर ने अश्वत्थामा के बारे में कहा, अब स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, जो जब कृष्ण भगवान ने सूर्यास्त को, सूर्यास्त का एक किस्म से इल्यूजन क्रिएट किया तो जयद्रथ को लगा कि वो बच गए। हम जो हैं इतनी माने आसानी से ये शब्द लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स, अकिलीस हील, गॉर्डियन नॉट। अब ये कहां से आते हैं ये शब्द, किसी और के कथा से आते हैं। अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी वही कथा पढ़ता हूं, मुझे भी उसमें रुचि है, पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि भाई आप अपने बारे में भी पढ़िए, इसका भी महत्व समझिए। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बनेगी, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बनेगी।